वालेकुम यार साउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व आल मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लोहे शम्स एक कुव्वत एक ताकत और एक तासीर है। मैंने पहले पार्ट में बताया था आप लोगों के कि ये बादशाह लोग जो थे अपने अपने दौर में अपने अपने इलाके के किंग्स जो थे वो इसको बनवाया करते थे। अब जितनी दूध में मिठाई डालोगे उतना वो मीठा होगा, जितनी दूध में शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप क्या कर रहे हैं। एक अमल की तरतीब होती है, एक अमल की तरकीब होती है। जब तक के उसको तरतीब से नहीं लिखा जाए तब तक अमल बेकार है। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि लोगों ने इसको रद्दी की टोकरियों के हिसाब से छापना शुरू कर दिया और उसको कहा कि भाई इसको इस्तेमाल करो तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। इसकी कीज़ होती हैं, आप एक ऐसी नूरानी ताकत को हासिल करना चाहते हैं जो कि बादशाह ने वक्त ने हासिल की थी। उनमें जलालुद्दीन अकबर भी था। जलालुद्दीन अकबर मुगलिया सल्तनत के ताकतवर हुक्मरान के तौर पे जाने जाते हैं। और जलालुद्दीन अकबर का एक वक्त वो भी था जब उसको सल्तनत हिंद यानि दिल्ली के जो दारुल हुकूमत था उस वक्त उसको छोड़ना पड़ा था। जब वो छोड़ रहा था तो उसको मौकलान शम्स ने मुतल्लिक किया था कि आप जो हैं दिल्ली को छोड़ दें, हम आपके तख्त की जो है हिफाजत करेंगे और बहुकुम खुदावंद ताला अल्लाह तबारक व ताला के हुकुम से और फजल से उसकी हुकूमत में वो जब लाहौर में शिफ्ट हुआ तो उस दौरान किसी भी हुक्मरान ने उसके तख्त पर कब्ज़ा नहीं किया था। इसी तरह यही नकूश और तिलस्मात मुख्तलफ मज़ाहिब के बादशाहों ने उसको बनवाया था। वो क्योंकि उसका सदका और न्याज वगैरह दे सकते थे तो उनकी तासीर थी। लिखने वाले बहुत हैं लेकिन वो देने वाले और पढ़ने वाले बहुत कम हैं। जिस तरह एक आम आदमी को दावत देते हैं हम तो उसके इंतजामात थोड़े करने पड़ते हैं, और अगर हम किसी इलाके के बड़े आदमी को बुलाएंगे, किसी सियासी लीडर को बुलाते हैं तो उसके लिए हमें उनके इंतजामात करने पड़ते हैं और उनकी आम टी पार्टी के लिए भी लाखों रुपया ख़र्चा होता है, और अगर उनका कोई जलसा हो तो करोड़ों ख़र्चा होता है। जिस तरह की आप दावत देते हैं उस तरह के इंतजामात करते हैं, उस तरह के अखराजात आप बर्दाश्त करते हैं। ठीक इसी तरह कोई भी लोह जब बनाई जाती है तो ये सुपर अलवाह जो होती हैं, जो पावरफुल नकूश होते हैं, पावरफुल तावीज़ात होते हैं, इनको जब बनाया जाता है तो उलमाए किराम उनकी जो है न्याजात और उनके जो सदकात मोकलात वगैरह के वो दिल खोल कर देते हैं ताकि उस कुव्वत को आप के ऊपर जब वो कुव्वत आप में आए तो वो आपके मफाद में हो जाए, वो पावर जो है आपका जिस्म बर्दाश्त कर सके, उसमें नेगेटिविटी ना आए।
तो सूरज एक हरारत, एक कुव्वत और ज़िंदगी की अलामत है। सूरज की रोशनी को अगर आप नहीं करते, उसकी कुव्वत को हासिल नहीं करते, तो ये बुर्ज हमल में होता है। हमल का ताल्लुक ही इंसान के दिमाग और सर से है। आप मुझे बताएं, अगर आप सदकात नहीं देंगे तो आपके दिमाग पे असरात ज़रूर छोड़ेगा, आपको वो मुतासर करेगा, उसकी रुजत आप पे पड़ सकती है। मैं आप लोगों को दिलगिर या दिल बर्दाश्ता नहीं कर रहा, आपको जो है मैं डरा नहीं रहा, लेकिन आप लोगों के सामने एक सच बता रहा हूँ कि अमलियात में हर एक कहता है मैं दावत दूँ, तो लेकिन दावत जो होती है किसी चीज़ की, उसके एहतमाम ज़रूरी होती है। और मैं जो आप लोगों को तरीक़ेकार बताता हूँ वो बिल्कुल सेफ़ तरीक़ेकार बताता हूँ, ताकि आप उससे इस्तफादा कर सकें। तो मैंने कहा था कि इसका कम अज़ कम जो मोकलान का सदका है वो बैल है या भैंसा है, जो भैंस का जो नर होता है उसको जो है मेल जो होता है उसको काफ भी कहा जाता है, वो उसका सदका है। और बकायदे शरीयत इस्लाम जितना जानवर हलाल कर सकते हैं उम्र के हिसाब से, वो आप उस हिसाब से उलमा से पूछ के फ़िक़ही उसूलों के मुताबिक, आप जिस भी फ़िक़ह से हैं, मैं आपसे किसी फ़िक़ह के लिए नहीं इख्तलाफ करूँगा, जिस भी फ़िक़ह पे हैं आप उसका उतना सदका दें और फिर आप देखें कि इनके क्या कमाल आते हैं। और एक गलती इसमें यह की जाती है कि शम्स की अलवा या नकुश बनाते हुए पुराने दौर से जो रवाज चला रहा है, लोग तस्वीर बनाते हैं, किसी भी तस्वीर को बनाना, चाहे वो इंसान जानदार चीज़ की तस्वीर बनाना, ये कतन हराम और इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है। आप अपने मज़हब के मुताबिक चलें, आप उसको नेगलेक्ट करें, कोई तस्वीर बनाने से आपको ताकत हासिल नहीं होगी, ये एक फरसूदा चीज़ है, इसे आप अपने उसे निकाल दें। लेकिन अगर आप इस्लाम से बाहर हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, हम उसमें आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, आप अपने उसूलों के मुताबिक कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये किस लिए की जाती है। लोहे शम्स तहफ़ुज़ करती है, सहर व जादू से निजात दिलाती है, सहर व जादू को ख़त्म करती है। काते सहर व जादू है, काते नज़र बद है, काते हासद है। इतनी बड़ी ताकतवर लो है कि जिनके लिए किताबें जो हैं भरी पड़ी हैं तारीफ़ में, लेकिन किताबों को अगर आप खोल के देखेंगे, मैं किसी का नाम लेके किसी को दुख देना नहीं चाहता, कुछ इस दुनिया में हैं, कुछ इस दुनिया से गुज़र गए हैं, तो उनके किसी को मैं दिल रंजीदा नहीं करना चाहता, लेकिन बड़े अफसोस की बात होती है जब मैं किताबों पे नज़र करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनमें कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं, और लोगों का वक्त और लोगों की पूरी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। कुछ लोग उसका एहतमाम बड़ा करते हैं, लेकिन तरतीब और तरकीब न होने की वजह से वो बेकार हो जाती है। लोहे शम्स तस्खीर खल्क है, लोहे शम्स मगलूबी एदा है, दुश्मनों को मगलूब करने के लिए तस्खीर खल्क है, नज़र बद के ख़त्म करती है, हासदों को ख़त्म करती है। इतनी बड़ी पावरफुल क़ुव्वत है, जब मैंने उसमें देखा वो लिखा हुआ है कि तरक्की है, बुलंदी दर्जात है और बहुत सारे फ़वायदे हैं, तो आप अब बताएं इतनी बड़ी बातें होने के बाद कितने लोगों ने लोहे शम्स बनवाई है लेकिन उसका हासिल उनको नहीं हुआ, तो उसकी वजह क्या है कि उन्होंने वो उस लेवल के सदकात नहीं दिए, बल्कि कम सदकात दिए या
न्याज वगैरह नहीं की या कोताही की या उस पर पढ़ाई नहीं की तो उसके फ़ायदे हासिल नहीं होंगे। और दूसरी बात जो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बयान कर दिए कि ये तरक्की के लिए है। इल्मुल जफर में दो टर्म्स से ज़्यादा मशहूर हैं, एक अजीज़ा एक नज़ीरा। अजीज़ा का मतलब है दोस्त तरफ और नज़ीरा का मतलब है दुश्मन हरफ। और तीसरा टर्म जो है वो ये अदावत और मोहब्बत में काम आते हैं। लेकिन एक टर्म है तरफा हरफी, यानि आप उसको बढ़ाव दें, उसको इजाफा करें, उसको उसकी ताकत को बढ़ाएं, हरूफ की ताकत को बढ़ाएं। तो जब आप लोग तिलसम शम्स बनाते हैं तो उसमें अबजद शम्स इस्तेमाल करना चाहिए, शम्सी अबजद यानि अलिफ़बा ता सा वाला अबजद इस्तेमाल करना चाहिए। अबजद शम्स के शम्सी के इस्तेमाल के बाद जो है उसकी तरफ हरफी करनी चाहिए, और तरफ हरफी में अलिफ़ है अलिफ़ बा ता सा हा का जो है तरफ हरफी। तरफ हरफी का मतलब क्या है? तरफ हरफी का मतलब है अगर किसी की अददी कीमत एक है तो उसको 10 कर दें, अगर 2 है तो 20 कर दें, अगर 3 है तो 30 कर दें, अगर 4 है तो 40 कर दें। इस तरह से उसकी तरतीब दी जाती है और उसकी जो है एक तकसीर बनाई जाती है, और तकसीर से इस्तखराज खलीफा किया जाता है। और इस्तखराज खलीफा को जब पढ़ा जाता है तो उससे जो है उसकी कुव्वत का हसूल होता है। वो खलीफा क्या है? एक मौकिल होता है। वो खलीफा क्या है? वो आपके पूरी तकसीर का जो है निचोड़ होता है। उसको जब पढ़ा जाता है तो वो अब आप वो खलीफा को बुला रहे हैं तो उसके सदकात लाजमन देने होते हैं। और कुछ भाई मुझे जो है उन्होंने कमेंट की कि आप बनाएंगे तो कितने पैसे लेंगे, तो भाई मेरे मुझे इतना वक्त ही नहीं है कि मैं आप लोगों को बना के दे सकूं, या मुझे जो है मेरा कोई आस्ताना या इस तरह सा सिस्टम नहीं है जो लोग करते हैं झाड़ फूँक दम दरुद, वो नहीं है मेरे पास। मैं खुद जो है अपने बिजनेस में रहता हूँ, इन चीज़ों के मैं पीछे नहीं हूँ। लेकिन जो कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ वो आपकी रहनुमाई के लिए बेहतर है। अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आप खुद कर सकते हैं, आप किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। हाँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप जो है तहरीरी लिख के दें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। वॉइस नहीं छोड़ा करें, ना ही कॉल किया करें। अपना नाम लिखें, वालदा का नाम लिखें, सवाल लिखें, वॉइस नहीं लिखें, तहरीर करें, जवाब दूंगा। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं और जिनको मैं जवाब नहीं देता तो वो इसी वजह से नहीं देता, वॉइस छोड़ देते हैं या कॉल कर देते हैं, तो मेरा वक्त जो है वो एक बेकार हो जाता है। मैं कहीं किसी सोसाइटी में बैठा हूँ, किसी जगह पे बैठा हूँ और लोग कॉल कर दें तो फिर मैं उनकी चीज़ों को अवॉइड कर देता हूँ। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोहे शम्स को अगर आप देखेंगे तो लोहे शम्स की मैंने एक थोड़ी सी जो है तरफ़ के बारे में मैंने जो है उसकी चंद एक डेढ़ मिनट की मैंने बनाई है, वो आप देख लें, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा तरफ़ क्या है। लोहे शम्स में मोहब्बत का अमल नहीं होता, बल्कि लोहे शम्स में तरक्की मदारिज का अमल होता है। तो उसके लिए उसको तरफ़ हरफी की जाती है, उसको इजाफा दिया जाता है। ये नुकात हैं जो असातिज़ाएं, जो आमलीन हैं, जो बुजुर्गान दीन इस इल्म को हासिल करना चाहते हैं वो मेरी वीडियोस को देखेंगे और मुझे दुआ देंगे और बाकायदगी से कमेंट में मेरी तारीफ़ करने पे मजबूर होंगे। जिन लोगों को पता नहीं है तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, या जिनको समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ किसी के लिए। तो ये एक इल्म है, इस ये मेरा चैनल जो है ये मैंने बनाया ही इसीलिए ताकि लोगों को पता चले कि कोई सिलसिला कादरिया कोई आम सिलसिला नहीं है कि उलूम उसमें ख़त्म हो गई, नहीं, बिल्कुल ये उलूम हमारे रूहानी उलूम रूहानी सलासल में हैं। लेकिन
वो लोगों को जो है रहनुमाई करेंगे और वो लालच नहीं रखते जो सलासल में रहते हैं अक्सर बड़ी हस्तियां जो भी हैं वो लालच नहीं रखते बल्कि आप लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं। तो इसी तरह हम जो भी बताते हैं अपने चैनल के थ्रू वो बिल्कुल सच होता है। बात यह है कि समझने की बात होती है, कुछ लोग उसको गलत समझते हैं तो उनकी अपनी ख्याल है, कुछ लोग सही समझते हैं तो उनके जिनको समझना है जिनको सीखना है जो लर्न करना चाहते हैं वो मेरी वीडियोस को देखें तो उनको समझ में आएगी। और मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी मेरे एमाल करना चाहते हैं उनको चाहिए कि मेरे बुजुर्गान सिलसिला तरीकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारदा मासूमीन गौसुल आज़म गौसे समदानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी कंदील मोहीद्दीन हज़रत शेख अब्दुल कादर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और सिलसिला नक्शबंदिया कादरिया चिश्तिया सहरवर्दिया शाजलिया जितने भी सलासले सबको और जो मेरे बुजुर्गान जिनके मैं नाम लिखता हूँ अपने वीडियोज़ में उनको जो है आप इसाले सवाब करें हदिया किया करें और मेरे मुर्शिद करीम हाल हयात हैं उनको आप इसाले सवाब करने की ज़रूरत नहीं है और मैं उसका नाम पहले लिखता हूँ सैयद अहमद शाह जीलानी तो वो ज़िंदा हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं लेकिन वो सादा मिजाज लोग हैं, किसी के पीछे नहीं पड़ते ना लोगों को अपने साथ घुमाने को पसंद करते हैं कि लोग उनके पीछे चलें पीर साहब ये चीज़ें उनको पसंद ही नहीं है। और जो कुछ भी मुझे किया है लोग अगर समझना चाहते हैं कि मुझे अता किया गया तो वो मैं ये बता दूं कि मैंने बाकायदगी से किसी जैसे एक क्लासेस लेते हैं इस तरह से नहीं लिया है बल्कि मुझे अपने मुर्शिद करीम ने दुआ की थी और वो दुआ और मुझे जो भी जिस भी मैं टॉपिक पे सोचता हूँ अल्लाह के फजल से मेरे लिए वो रास्ते खुल जाते हैं और जो कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ वो भी समझो कि उन्हीं की दुआ है उन्हीं की इनायत है उन्हीं की नज़र करम है। बग़ैर मुजाहदात बग़ैर किसी लालच ने आपने मुझे इसमें आज़म तालीम किया था और सिलसिला कादरिया से जो है फैज़ अता किया था तो इन चीज़ों को मद्दनज़र रखें और समझें और जो मेरे मुर्शिद करीम का सिलसिला तरीक़त है उन बुज़ुर्गान दीन को इसाले सवाब करें यानी सिलसिला कादरिया को तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। और बाकी ज़माने में ये मतलबी लोग ज़्यादा होते हैं आप लोगों को परेशान करेंगे, कोई कहेगा इतने पैसे दो नक्श बना के दूंगा तो ऐसे नहीं है, ये नक्श बनता ही सोने पे है तो जब भी आप बनवाएं जब भी आप एहतमाम करें तो अपने हिसाब से करें और सदकात भी मैंने कहा था कि उसके इस लेवल के हों तभी आपको फ़ायदा होगा। ऐसे नहीं है कि आप कागज़ पर लिख दें और 5-10 हज़ार कोई आपसे ले भी ले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसकी तशरीह और तरकीब आगे बताऊंगा। आज इस नुक्ते को भी मैंने बता दिया है कि इसमें अजीज़ा को इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि तरफ़ अरफ़ी को इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इजाफ़ा किया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तफादा करेंगे। खुदा हाफिज़।